आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सत्यम, आपके लिए खबर दखल। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाए जाने को लेकर राजनीतिक दलों ने चिंता जताई। इसके बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर सियासी दलों को सलाह दी है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और शांति बनाए रखें। बेवजह पैनिक न फैलाएं। शनिवार देर रात कश्मीर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया और उनसे कहा कि बेवजह पैनिक न फैलाएं। राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, शाह फैजल, सज्जाद लोन, इमरान अंसारी भी शामिल थे। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। एक ट्वीट कर उन्होंने मंदी को मुद्दा बनाया और कहा कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं बना सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार भारत में मंदी को मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं बना सकती, दशकों की मेहनत और जुनून से हमने जो बनाया है उसे सिर्फ नष्ट कर सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक फाइल भी शेयर की जिसमें नौकरियों की कमी को दर्शाया गया है। बीजेपी में पहली कतार में बैठने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर में पीछे बैठे नजर आए। दिल्ली में बीजेपी सांसदों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। दिल्ली में बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के बीच पीछे की लाइन में एक कुर्सी पर बैठे नजर आए। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस कार्यक्रम को अभ्यास वर्ग का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रहे इस कार्यक्रम में सांसदों की सियासत के गुर सिखाए जा रहे हैं। जब बीजेपी सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने बीच बैठा पाया तो सब चौंक गए। अमरनाथ यात्रा रद्द होने पर कांग्रेस भड़क गई है। उसने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से सभी टूरिस्टों की वापसी के लिए वायुसेना के विमान भी तैयार कर लिए हैं। कई देशों ने अपने टूरिस्टों को भी कश्मीर न जाने की सलाह दी है। कश्मीर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकी हमले की आशंका के बाद अमरनाथ यात्रा रद्द करने और सैलानियों को घाटी छोड़ने की अड़वाजी की कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से अड़वाजी जारी की है उससे घाटी में डर का माहौल पैदा हुआ है। सरकार ने अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है जबकि कांग्रेस के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं। आजाद ने कहा, भाजपा के इन कदमों से घाटी में 1990 जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एनआईटी के छात्रों को बाहर निकाला गया है। शिवपुरी जिले के पोहरी में कांग्रेस विधायक सुरेश राठखेड़ा के साले की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। नाली को लेकर हुए विवाद में विधायक के साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर रमेश राठौर नाम के एक शख्स की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। वहीं बीच बचाव करने आए पड़ोसी भी इस हमले में घायल हो गए। पुलिस ने विधायक के साले को हिरासत में ले लिया है। पोहरी के कांग्रेस विधायक सुरेश राठखेड़ा के साले का सुबह नाली को लेकर रमेश राठौर से विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के नागद्वारी मेले में पहुंचे श्रद्धालु काजली नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते फंस गए। नागपंचमी पर लगने वाले नागद्वारी मेले के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नागद्वारी स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक काजली नदी में बाढ़ आ गई। ऐसे में लोग बीच भंवर में फंस गए। इस दुर्गम इलाके में प्रशासन ने रेस्क्यू कर ऑपरेशन चलाया और बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। नागद्वारी मेले के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नागद्वारी स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। कई लोग कमर तक पानी में डूब गए थे। ऐसे में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए लोगों को बाहर निकाला गया। ये घटना 3 दिन पहले की है। इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। मिलावटखोरी के खिलाफ सरकार सख्त रवैया अपनाती जा रही। काफी समय से शहर में हो रही मिलावटखोरी के गोरखधंधे को खत्म करने का बेड़ा स्वास्थ्य मंत्री ने उठाया। कई महीने से मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने में फूड डिपार्टमेंट पुरजोर मेहनत कर रहा। आज सुबह मुखबर की सूचना पर अनुसार फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पीलू खेड़ी और कुराबर में आ रहे 4 क्विंटल पनीर को जांच में लिया। पनीर संदिग्ध दिखा जिसको फूड डिपार्टमेंट ने जब्त कर कार्रवाई की। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि इस समय समय पर कार्रवाई की जाएगी। सुकमा में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण यहां के सभी नदी नाले उफान पर। तुंगम डैम से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से शहर जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि पानी रुकने की वजह से पानी का स्तर गिरा है और रहवासियों को थोड़ी सी राहत मिली है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। जलमग्न हुई सड़कों में पानी को प्रशासन की मदद से निकाला जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएम अवस्थी ने कहा कि एक मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। सीतागोटा जंगल इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ हुई नक्सलियों के इस मुठभेड़ में किसी सुरक्षाकर्मी के हताहत होने की खबर नहीं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सलियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। पुलिस को नक्सलियों के शवों के पास से AK-47/303 राइफल, नक्सली साहित्य, 12 बोर बंदूक और अन्य सामान मिला है। थाना बाग नदी एवं बोट तालाब के बीच महाराष्ट्र सीमा से सटे शेरपार और सीतागोटा के बीच पहाड़ियों में माओवादियों की सूचना पर जिला बल DRG एवं CAF की पार्टी रवाना की गई, जहां सुबह 8 बजे माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 7 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए। इस इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सुकमा के एर्राबोर के साप्ताहिक बाजार के पास नक्सलवादियों ने 3 IED बम प्लांट सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रखी थी। CRPF और स्थानीय पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिलने पर बम खोजी दस्ते ने बम ट्रेस किए। उन्हें ब्लास्ट होने से पूर्व भी निष्क्रिय कर दिया गया। तालाब का बांध अचानक टूट गया जिसके कारण खेत में पानी भर गया और फसलें खराब हो गई। आधी रात को अचानक तालाब का बांध टूटने से ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ग्रामीण किसान और प्रशासन की मदद की बाह जो रहे हैं। कांकेर कोयला बेड़ी
पंचायत मंटोली योगेंद्र नगर में BP-30 के तालाब का बांध रात को अचानक टूट जाने से कई किसानों की फसल तबाह हो गई। रातों को रात फसल खराब होने से ग्रामीण काफी परेशान है। गांव के लोग साल में एक ही फसल से अपना जीवन यापन करते, तकरीबन 30 से 35 किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों के खेत में रेत जम गई है, तालाब फटने से लाखों रुपए की मछलियों का नुकसान भी हुआ है। रेल मंडल के ADRM ने विकास कार्यों को लेकर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर जल्द ही प्लेटफॉर्म शेड और यात्री सुविधाओं का विस्तार शुरू किया जाएगा। भोपाल रेल मंडल के ADRM ने बैरागढ़ रेलवे स्टेशन का विकास कार्यों को लेकर औचक निरीक्षण किया। ADRM ने कहा, बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर जल्द ही प्लेटफॉर्म शेड और यात्री सुविधाओं का विस्तार शुरू किया जाएगा। ADRM के साथ भोपाल रेलवे मंडल के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जगदलपुर में 80 बटालियन CRPF कैंप में आज दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जुरू उर्फ दिनेश कुतुर एरिया कमेटी और चमरू महार उर्फ चमरू राम लंबे वक्त से नक्सली संगठन के लिए काम कर रहे थे। इनमें से एक नक्सली की चमरू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। समर्पित नक्सलियों को नक्सलवाद छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौटने के लिए शासन की ओर से 10-10 हजार रुपए और जरूरत की सामग्री भी प्रदान की गई। नक्सली नक्सलवाद छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौटे, इसके लिए शासन के कई तरह से मदद करती है। नौकरी, नकद और जरूरत का सामान भी देती है, जिससे प्रभावित होकर दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश के वन मंत्री मनसिंह झा और उनके विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की जंगल में मंगल करती कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें वन विभाग के दफ्तर में शराब जाम छलकाते सभी लोग नजर आ रहे हैं। विभाग के दफ्तर में जम के शराबखोरी हो रही, वक्त का ये बदलाव वन अमले में नए गुल खिलाने का संकेत है। छतरपुर के क्रिश्चियन हॉस्पिटल के स्टाफ पर बेजुबान कुत्तों को बोरे में बंद कर पीट पीट कर मार डालने की क्रूर घटना सामने आई। एक हॉस्पिटल के स्टाफ ने मारने के बाद कुत्तों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन बेजुबान कुत्तों की पिटाई का वीडियो पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने वायरल कर दिया। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। खबर दखल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।